वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान ब्रांडेड बियर का मुद्दा गूंजा। दरअसल कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से सवाल किया था कि प्रदेश में कितनी देसी और विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं और सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष में शराब से कितना आखिर मुनाफा हुआ। मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया, लेकिन संतराम नेताम ने कहा कि बस्तर के लोगों की शिकायत है कि जिस ब्रांड की शराब वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही है। मंत्री ने उस ब्रांड की शराब मुहैया करवाने का भरोसा दिया। वहीं शराब को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री कवासी लखमा को भी घेरा, कहा कि जिस ब्रांड की शराब की डिमांड नहीं थी उसे खरीदा गया, ये गंभीर मसला है। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष ब्रांड की शराब की खरीदी की गई है। मदिरा अंग्रेजी मदिरा दुकानों में किस माह कितनी बिक्री हुई तथा विक्रय से प्राप्त राशि विभाग के खाते में जिलावार कब जमा की गई, तो उन्होंने कहा है विक्रय राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती। तो विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती है तो वो कहां जमा की जाती है, और जितनी बिकी उतनी जमा हुई कि नहीं हुई? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत जी का पिछली बार प्रश्न था जितनी राशि बिकी 18-20 करोड़ का, उसमें अंतर था, आपको याद होगा। तो विभाग में जमा नहीं होती तो वो कहां होती है? और